भोपाल में नतीजों से पहले कांग्रेस को जीत का पूरा भरोसा है, इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने पीसीसी के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। पोस्टर में जीत की अग्रिम बधाई दे दी गई है और पोस्टर पर स्लोगन भी जबरा लिखा हुआ है कि जनता का निभाने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। न्यूज 18 ने जायजा लिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना होना अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस का बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। पीसीसी में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। और ये पोस्टर लगाया गया है कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज की ओर से। सर, क्या वजह है कि इतना कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं, अभी से बधाई दे दी है? जनता का आश्वासन है, जनता ने आश्वस्त किया है। ऐसी साफ छवि के नेता कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री का चेहरा रहे। आज कमलनाथ जी को जनता ने आश्वस्त किया, कार्यकर्ता ने आश्वस्त किया, हमारा खुद का सर्वे भी है, हमारा खुद का एग्जिट पोल भी है। एक तरह से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत रही है और जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए बीजेपी एक एग्जिट पोल का सहारा ले रही है, जबकि आधे से ज्यादा एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। प्रचंड बहुमत के एग्जिट पोल मौजूद हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी पर दबाव कैसे बनाएगी भाजपा अगर मान लेगी कि हार गई है और सामने कर देगी? अभी भी बाज नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में छेड़छाड़ करने के लिए एक एग्जिट पोल का सहारा लेके तमाम प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर दबाव बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। सर, नीचे आपका पोस्टर लग चुका है, ऊपर वॉर रूम तैयार हो चुका है, वॉर रूम से भी कल लगातार नजर रखेंगे, बातचीत करेंगे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन कौन नेता वहां मौजूद रहेंगे? देखिए, ये पोस्टर तो कई सारे लग चुके हैं, प्रदेश के अलग अलग कोने में लग चुके हैं। वॉर रूम हमेशा बनता है और मॉनिटरिंग रूम कहलाता है वो, बेसिकली मॉनिटरिंग वहां होती है। दिग्विजय सिंह जी मौजूद रहे थे पिछली बार, कमलनाथ जी मौजूद रहे थे पिछली बार, विवेक तन्खा जी मौजूद रहे थे पिछली बार, बाकी ज्यादातर नेता हमारे क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने अपने क्षेत्र में है। ये तीन तो कल होना ही है और उनके अलावा जिनकी चुनाव जल्दी मतगणना हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा, तो वो भी जल्दी से जल आ जाएंगे। कहीं बाड़े बंदे की तो कोई तैयारी नहीं है सर, रिसोर्ट और वो? मध्य प्रदेश बड़ी क्लियर मेजोरिटी देता है हमेशा, और मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार ठान ली है कि प्रचंड बहुमत देगी और इतनी सीटें आएंगी कि तोड़ फोड़ की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी नहीं। बीजेपी का ऐसा हाल ना हो जाए कि दो तीन गाड़ियों के अंदर पूरे विधायक चले जाएं उनके कार के अंदर बैठ के, ये भी हो सकता है। तो तीन कार ले लें बीजेपी वाले, तीन कार ले लें बीजेपी वाले, ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस कहीं ना कहीं शो कर रही है। और उसके पहले यानी कि मतगणना के पहले, रिजल्ट आने के पहले एक पोस्टर यहां पर लग चुका है जिसमें बधाई अभी से दी जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि कल सूरत क्या होगा, जनता ने अपना सरताज कैसे चुना है, कल ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश में कल ये साफ हो जाएगा कि कमल खिलेगा या लोग कांग्रेस के हाथ के साथ होंगे। तो वहीं मतगणना से ठीक एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान बेटे कार्तिकेय के साथ दादा धूनी वाले मंदिर पहुंचे। सीहोर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक दादा धूनी वाले मंदिर के गर्भगृह में बैठकर अपनी पार्टी की बंपर जीत के लिए उन्होंने यज्ञ किया। बेटे कार्तिकेय के साथ पूजा अर्चना उन्होंने की, गर्भगृह वो पहुंचे, दादा धूनी वाले के मंदिर में पहुंचे और दादा धूनी वाले का आशीर्वाद उन्होंने लिया। आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। तो ये सिलसिले हैं, सियासत का टेंपल रन भी आप इसे कह सकते हैं। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये दादा धूनी वाले मंदिर की तस्वीरें सीहोर के। तो जैसे कि जिक्र हम कर रहे थे, 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आने हैं, उससे पहले दोनों दलों के जो नेता हैं वो देव दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोई खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहा है, कोई महाकाल को शीश नवाने पहुंच रहा है, कोई घर पर पूजा पाठ कर रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी मधु वर्मा का परिवार हो, महेंद्र हाडिया का हो, घर में ही वो पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं। हाडिया के घर एक पंडित रोजाना पहुंचकर पूजा पाठ करवाते हैं। विजयवर्गीय मेंदोला चार भुजानाथ, तो गोलू और रीना सेतिया खाटू श्याम पहुंचे हैं। संजय शुक्ला ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर अरदास लगा दी है। इधर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तकरीबन 2000 पुलिस वाले सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, 1000 से ज्यादा सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जानी है। इंदौर का नेहरू स्टेडियम का जायजा न्यूज 18 ने लिया है।
नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग होना है और सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर खुद उसका जायजा ले रहे हैं इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर कल अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कितनी रहने वाली है? कल इम्पोर्टेंट डे है। कल सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1000 आदमी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है, जिसमें आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और कोर एरिया जो है जहाँ पर एक्चुअल मतगणना होगी वहाँ पर ये व्यवस्था रहेगी। सभी का जो एंट्री है वो स्ट्रिक्टली बाय पास इंश्योर किया जाना है। मोबाइल फोन्स सिर्फ आरओ और एआरओ को ही रखने की अनुमति इलेक्शन कमीशन ने दी है, तो इन सभी निर्देशों का पालन सख्ती से कराए जाने का उद्देश्य रहेगा। इसके अतिरिक्त रुझानों के अनुसार शहर में भी कुछ स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो उससे निपटने के लिए भी पर्याप्त रिजर्व बल जो है जगह जगह पर रखा जा रहा है। सर क्या हमने कुछ संवेदनशील इलाके भी कुछ चिन्हित कर रखे हैं क्या? देखिए, ये कुछ ट्रेडिशनली संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर पर्याप्त फोर्स जो है वो रखा जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल, जैसे जैसे रुझान आने लग जाते हैं वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ने लग जाता है, उन्हें क्या जो नेहरू स्टेडियम के बाहर ही बैरिकेड लगाकर रोका जाएगा, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, नेहरू स्टेडियम के अंदर तो कोई भी बिना पास के नहीं आ पाएगा, बाकी जो बाहर जो लोग एकत्रित होंगे उनको जो है व्यवस्थित रूप से कंडक्ट करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जा रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं नेहरू स्टेडियम से, जहां पर इंदौर पुलिस कमिश्नर अपने अधिकारियों के साथ में जो पूरा नेहरू स्टेडियम उसका मौका मुआयना कर रहे हैं कि कहां पे कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी। उन्होंने बताया कि काउंटिंग दिन 3-स्तरी यानी 3 लेयर की सिक्योरिटी इंदौर के नेहरू स्टेडियम में रहेगी और संवेदनशील इलाके जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाए जा रहे हैं। मीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। इधर भोपाल में भी मतगणना की तैयारी जोर शोर से जारी है। चुनावी धुरंधरों की माने तो इस बार मतगणना रोचक हो सकती है। बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। हर परिस्थिति के लिए राजनीतिक दलों का प्लान तैयार है। किस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं वो देख लीजिए। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में बस 24 घंटे बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल भी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह के चुनावी रुझान अब तक सामने आए हैं, पोल सामने आए हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार अच्छी फाइट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आधे एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़ाते तो वहीं आधे कांग्रेस की सरकार बनने का मध्यप्रदेश में दावा कर रहे हैं। इस सबके बीच इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के भी कल पूरे प्रदेश में चाकचौबंद इंतजाम रहेंगे। मध्यप्रदेश पुलिस के साथ सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं वो भी तैनात की गई हैं, ताकि पूरी मतगणना के दौरान जो शांति व्यवस्था है वो कायम रहे, वो बनी रहे, कहीं पे भी किसी तरह से अशांति और अफवाहें ना फैले। सबके बीच बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे, जहां पर वॉर रूम्स जो हैं उन्हें स्थापित किया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव जैसे तमाम बड़े नेता कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाले हुए नजर आएंगे। सुरेश पचौरी भी वहां मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री समेत अन्य नेता जो हैं वो प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम में मौजूद रहेंगे और पल पल का जो अपडेट है तमाम विधानसभा क्षेत्रों से लेते हुए नजर आएंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्लान बी भी तैयार रखे हुए हैं, परिणामों के अनुसार उनको भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो सपा बसपा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो इस पूरे चुनाव में बढ़त लेंगे, तो उनसे भी लगातार संपर्क किया जाएगा, उनका भी समर्थन जुटाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। अब देखना होगा कि मध्यप्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनती है। तो बेसब्री से जनता से लेकर राजनीतिक दलों को, प्रत्याशियों को इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि कल के ऐतिहासिक दिन जनता ने अपना सरताज किसे चुना है। महिलाओं की जो बंपर वोटिंग हुई है वो किसके साथ इस बार गई है और कांग्रेस आदिवासियों के महंगाई के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाने में कितनी सफल हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तवर के साथ यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। इधर खरगोन जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। कलेक्टर ने खुद सभी इंतजामों का जायजा लिया है। वहीं जिला कप्तान ने खुद ही प्रवेश और निकासी के द्वार का जायजा लिया।
जो पीजी कॉलेज है यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया पूरे 6 विधानसभा की 3 तारीख को सुबह से शुरू हो जाएगी। उसकी पूरी विधानसभा वार कैंडिडेट्स के एंट्री किधर से होंगे, एजेंट्स की एंट्री किधर से होगी, स्ट्रांग रूम खुलने के समय क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी, उन सब का आज निरीक्षण किया गया था। पूरी व्यवस्थाएँ चौबंद है, पूरी व्यवस्थाएँ पूर्ण कर ली गई हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया के लिए हम लोग तैयार हैं। 6 विधानसभाओं की जो 3 तारीख मतगणना होनी है, इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि 3 कॉर्डन की सुरक्षा व्यवस्था होगी। आउटर मोस्ट कॉर्डन 100 मीटर का होगा और 100 मीटर के दायरे में वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनको अधिकृत पास जारी किए गए हैं। इसका बहुत स्पष्ट आशय ये है कि कैंडिडेट और उसके इलेक्शन एजेंट, बाकी मतगणना प्रक्रिया में जो भी प्रशासकीय कर्मचारी हैं या इलेक्शन काउंटिंग एजेंट हैं, उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा। 100 मीटर के दायरे में बिना पास के किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। इधर शाहजहांपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन में जिले के 3 सीटों की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रतिबंध लगाया गया है। शाहजहांपुर में मतगणना को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी है। आप देख सकते हैं यही काउंटिंग हाल है और यहां पर अभी अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। आप बताइए किस तरीके की व्यवस्था यहां पर रहेगी, सुरक्षा की किस तरीके के इंतजाम रहेंगे और राउंड वार क्या स्थिति रहेगी? पुलिस के द्वारा 3 लेयर व्यवस्था की गई है सिक्योरिटी को लेकर और 3 जगह पर चेकिंग होगी, हमारे कर्मचारियों की होगी और जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी भी होगी। और हम लोगों ने मीडिया कक्ष अलग से बनाया था, उनके सारी सुविधाएं अंदर दी गई हैं। वहाँ पे उनके पास 3 स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि देख सकते हैं, अंदर वो अपना मोबाइल भी दे सकते हैं, लेकिन वो मीडिया कक्ष तक नहीं। जब मीडिया कक्ष से हमारी वीडियो कर्मी हमारे काउंटिंग हॉल में जाएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखेंगे। और ग्राउंड हम लोगों ने अभी आज की स्थिति में जैसे हमारे ऑब्जर्वर्स भी आए हुए हैं तो उनको जो प्रशासन ने व्यवस्था काउंटिंग के ऊपर दिखा दिया है और वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और आपने देखा कि जगह जगह पर हमने बैरिकेडिंग अलग अलग ढंग से कर दिया ताकि कन्फ्यूजन किसी भी लेते ना हो। इसके अलावा हमारी टीम और पुलिस की टीम भी कुछ अधिकारी यहाँ देखते रहेंगे कि इनकी यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसको दूर करेंगे। राउंड कितने रहेंगे? शाहजहाँपुर में 20 राउंड पर चलेंगे और सुजालपुर और कालापुर में 19 राउंड पर चलेंगे। जल्दी जल्दी दोपहर बाद? हाँ, हमारा टारगेट तो जो इवेंट की काउंटिंग है कोशिश करेंगे 12 तक में, उसके बाद वीवीपैट पे एक्स्ट्रा। ये थे कलेक्टर किशोर कन्याल, जिनका कहना था कि मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी है और उम्मीद ये की जा रही है कि ईवीएम के जरिए वोटों की गिनती के बाद दोपहर तक रुझान स्पष्ट हो जाए। सुनील लंचूरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। इधर मंदसौर के सभी 4 सीटों पर मतगणना के लिए चुनाव आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सभी जिले की सभी सीटों की मतगणना होनी है। निर्वाचन आयोग ने इस बार मतगणना की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर दी है। इस बार मतगणना में लगभग 275 महिला अधिकारी और कर्मचारी काम कर रही हैं। और नतीजों से पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के डर से अफवाह फैला रही है, ऑपरेशन लोटस जैसी कहीं कोई बात नहीं है। शुरू हो गया है और कल से मतगणना शुरू होंगे और जाहिर तौर पर प्रत्याशियों की जो धड़कने हैं वो भी बढ़ने लगी हैं। धर्मलाल कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, क्या कहेंगे, एग्जिट पोल जो बता रहा है कि यहां तो एक तरह से की कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए, एग्जिट पोल जो आया है और कल उसका परिणाम आने का है। एग्जिट पोल और परिणाम में दोनों में अंतर है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कल काउंटिंग में भाजपा के विधायक बड़े संख्या में जीत करके आएंगे, स्पष्ट बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। तो सर, ये बताइए कि जिन राज्यों में पार्टियों का ये क्यों वो रहता है कि एक तरह से कहें कि जहां पे आप जीत रहे होते हैं वहां पे आपको लगता है कि एग्जिट पोल सही है और जहां पे आपको लगता है कि आपको कमतर बता दिया गया वहां पर एग्जिट पोल गलत है? मतलब मध्य प्रदेश में तो ये बताया गया कि बीजेपी जो है वो लीड कर रही है तो वहां पे बीजेपी एग्री कर रही है और यहां पे बताया गया है कि बीजेपी कांग्रेस लीड कर रही है तो आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो सही? मध्य प्रदेश की जहां तक सवाल है तो लीड कर रही की बात नहीं है, आप दोनों का अंतर देखेंगे और दोनों का अंतर देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी वहां पर सरकार बना रही है और वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, रुझानों में भी दिखाई दे रही है, एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रही है।
लेकिन छत्तीसगढ़ में एक तरफ आप ये देखिए कि 36 से 48 हमको दिया ना, एग्जिट पोल नहीं दिया 36 से 48, और उसके बाद मैं ये बोल रहा हूं कि 48 की स्थिति बन रही है तो सरकार किसकी बनेगी। तो निश्चित रूप से यहां पर बहुत कांग्रेस को उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। का कोई अपना ऑब्जर्वेशन नहीं है? अपना ऑब्जर्वेशन में मेरा है और मैंने इसीलिए दावे के साथ कहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। ये है धरमलाल कौशिक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, और उनका दावा है कि बीजेपी जीत रही। हालांकि सीटों को लेकर अगर हम बात करें तो कोई भी बीजेपी के जो लीडर हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि बहुमत का दावा जो है वो कितनी सीटों के साथ है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़।